फिल्म की शुरुआत होती है और मासिमो बोल रहा होता है नाचो के पिता से कि जिंदगी में मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना और यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे पास 1 घंटा है यहाँ से जाने के लिए। फिर इसके बाद वो अपनी वाइफ के पास जाता है लॉरा से, लॉरा जिंदा बच चुकी है पिछले अटैक के बाद, वो दोनों फिर इंटीमेट होते हैं। और फिर लॉरा क्योंकि पिछले अटैक में जो ना वो बोल रहा था कि इस बार तो गलत सीन नहीं करेंगे, मतलब मासिमो बोलता है कि हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि डॉक्टर ने तुम्हें भी मना करा है, अभी मुझे अंदर नहीं आना चाहिए, वो ऐसा बोलता है। लेकिन लॉरा बोलती है मुझे इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो फिर भी नहीं करते हैं। और फिर लॉरा अपने दोस्त से बात जाती है ओल्गा के पास और बोलती है कि मुझे तुम्हें चलता फिरता देख बहुत अच्छा लग रहा है, ओल्गा से बहुत तरीके से हक करती है। फिर इसके बाद वो दोनों बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं और फिर मासिमो एक मीटिंग में होता है, वो छूती भी जाती है तो मासिमो का खड़ा, मतलब मासिमो खड़ा होकर जाता है वहाँ पे और उसके साथ सीन करता है, इंटीमेट होते हैं। और फिर ओल्गा बोलती है कि तुम लोग इंटीमेट हो, मैं जानती हूँ लेकिन तुम्हें नहीं करना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं है। फिर मासिमो जो है लॉरा को एक बहुत ही अच्छे क्लब में लेके जाता है, वो उसे एक प्राइवेट डांस दिखाता है। फिर प्राइवेट डांस के बाद डांस लॉरा को पसंद नहीं आता तो लॉरा उसे लड़की से कहती है तो जा मैं ये संभाल लूँगी। फिर इसके बाद लॉरा और मासिमो वहाँ पर फिर इंटीमेट होते हैं और जब बिल्कुल खुला खुला दिखाया इंटीमेट होते हुए, वो दोनों फिर इंटीमेट होते हैं। और फिर इसके बाद मासिमो अकेला सो रहा होता है, मतलब अकेला बैठा हुआ होता है, तो लॉरा उसके पास आती है और बोलती है कि तुम इतने गुस्से में क्यों, तो बोलता है कि तुम उस आइलैंड में नाचो के साथ कर क्या रही थी। गाइस इसका पार्ट 2 मैंने समझा रखा है, पहले वो देखो फिर ये देखना ढंग से। लेकिन लॉरा कहती है कि अगर मैं बताई थी कि मैं किसके साथ तो तुम उसे जान से मार देते, और उसकी फैमिली का ट्रेडिशन यही है कि जो जिनके वो पीछे पड़ जाते हैं उनसे दुश्मनी बहुत लंबी ले रखते हैं। लेकिन मासिमो कहता है तो मुझे क्या कर देती, मैं सबको राख में मिला देता। और मासिमो बहुत गुस्सा हो जाता है और लॉरा को बहुत चिल्लाता है कि मासिमो बहुत संकी में थोड़ा गुस्सा लानी है। लॉरा उससे बहुत बोलती है कि तुम ड्रंक हो, हमें बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मासिमो उसे वो भी ग्लास फेंकता है, मारता था उसके सभी भी ग्लास फेंकता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और फिर अपनी जो लॉरा है वो बहुत ज़्यादा बैठ के रोना चालू कर देती है और मासिमो टाटा बाय बाय हो जाता है वहाँ से। फिर इसके बाद जो है लॉरा सोचती है कि मैं किस आदमी के साथ रह रही हूँ, तो थोड़ा गिल्ट हो रहा होता है, उसको लगता नहीं है कि मासिमो सही आदमी है, लेकिन उसके लिए उसकी फीलिंग कम होने लगती है क्योंकि मासिमो थोड़ा सारा कंट्रोलिंग टाइप आदमी है। लेकिन मासिमो जो उठाकर ले जाता है उसे कमरे में उसे सुला देता है। और फिर लॉरा को जो है उसी के सपने आ रहे होते हैं, नाचो के सपने आ रहे होते हैं बार बार, जो उन्होंने टाइम उसके साथ आइलैंड में बिताया था। लेकिन मासिमो को नहीं पता कि आइलैंड पर उन्होंने क्या क्या करा था, मासिमो उसे सुला देता है। और फिर ये दोनों नाराज हो जाते हैं एक दूसरे से और फिर ये दोनों एक दूसरे को इग्नोर करना चालू करते हैं। दोनों साथ में नहीं सोते, साथ में नहीं खाते, एक दूसरे को मिस तो कर रहे होते हैं लेकिन साथ में नहीं रह रहे होते। फिर इसके बाद जो है ओल्गा को, जब लॉरा है ये अपना ब्रांड को प्रमोट करने पुर्तगाल जाती है क्योंकि मासिमो ने उसे कंपनी गिफ्ट करी थी कपड़ों की, तो वो उसे कपड़ों के डिज़ाइन वगैरह शेयर करती है और डिज़ाइनर से बोलते हैं कि छपवा दो। फिर इसके प्रमोशन के लिए वो पुर्तगाल जाती है और मासिमो दोनों मिलती है, लेकिन वो फिर दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते क्योंकि वो दोनों सच्चे इग्नोर कर रहे हैं दूसरे को। फिर इसके बाद वो जब पुर्तगाल जा रही होती है तो लॉरा अपने दोस्त ओल्गा से बोलती है कि मुझे नहीं लगता इस बार मासिमो और मेरा रिश्ता टिक पाएगा, भले ही हमारी शादी हो चुकी है और मैंने उसका बेबी लॉस कर दिया है पिछले एक्सीडेंट में, उसके बेबी की मतलब उसके जब वो होने वाला था तो उसकी डेथ हो गई थी बेबी की क्योंकि एक्सीडेंट होता है लॉरा का। फिर इसके बाद वो एक क्लब में जाते हैं और फिर क्लब में जो है नाचो की बहन आती है और बोलती है कि मेरा भाई तुमसे बहुत प्यार करता है, एक बार उसे मिलकर तो देखो, वो अपने पापा को लेकर बहुत लॉयल है, लेकिन हाँ उन्हें तुम्हारे साथ थोड़ी इमोशनल लॉस मतलब तुम्हें इमोशनली वीक बना दिया है तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। लेकिन फिर लॉरा उससे मिलती है उसके भाई से और नाचो कहता है कि लॉरा तो मुझे इतनी पसंद है मुझे ये मैं तुम्हें खुद नहीं बता सकता। और लॉरा की जो दोस्ती ओल्गा उस टाइप के क्लब से चली जाती है। फिर नाचो और वो एक कमरे में जाते हैं, मतलब वो उसे ऐसे होटल में जाने की बात करता है, लेकिन वो उसे होटल में आने के बाद अपने घर पर ले जाता है और फिर बताता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मासिमो जो है तुम्हें कंट्रोल करता है लेकिन तुम जैसी हो वैसी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो, वो उसे बहुत अच्छी तरीके से प्रपोज करता है, क्वालिटी में प्रपोज करता है मतलब। और फिर इसके बाद जो है लॉरा और वो इंटीमेट होते हैं और फिर इसके बाद इंटीमेट होने के बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं पानी वगैरह में, स्विमिंग पूल में जो होता है मालदीव्स में दिखाता है। और फिर वो बोलता है कि मासिमो को छोड़ दो मेरे पास रहना है, तो लॉरा बोलती है कि मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो सोचने के लिए कि तुम्हारे पास वापस आना है या नहीं। फिर इसके बाद लॉरा अपने पेरेंट्स के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने चली जाती है, तो उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि तुम्हारा जो है मासिमो ये रिश्ता सही नहीं क्योंकि तुम यहाँ बर्थडे सेलिब्रेट यहाँ नहीं कर रही होती, अपने हस्बैंड के साथ नहीं कर रही होती। तो लॉरा वो सही सिचुएशन बता देती है कि मैंने आयरलैंड में ऐसा करा था तो ऐसा हो गया ऐसा हो गया ऐसा हो गया, फिर वो सारी कहानी बताती है, अपने पापा के साथ टाइम बहुत अच्छा स्पेंड करती है। और फिर उसे ओल्गा का कॉल आता है और ओल्गा बोलती है कि मासिमो को पता चल चुका है कि तुम नाचो के साथ कल रात भी थी, तो मासिमो उसे मानने जा रहा है। तो ओल्गा सुनकर ओल्गा बहुत डर जाती है, वो फटाफट एयरपोर्ट पे जाती है और प्लेन से लैंड होती है। जैसे वो लैंड होती है तो जिस टैक्सी में बैठती है उस टैक्सी का ड्राइवर ही नाचो होता है। नाचो कहता है तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, वही जो बातें करता कहता है तुम हंसती हो तो बहुत अच्छी लगती हो, तुम्हारा जिद्दी पर मुझे बहुत पसंद है, तुम्हारे बाल मुझे बहुत पसंद है, प्लीज़ मासिमो को छोड़ दो। फिर इसके बाद मासिमो एक आइलैंड पर लॉरा का इंतजार कर रहा होता है और लॉरा फिर मासिमो कहता है कि क्या तुम मेरे पास वापस आई होगी, मेरे पापा ने कहा था जो प्यार से जिसे तुम प्यार करते हो वो तुमसे दूर चला जाके वापस आया था, तो समझ लेना कि तुम्हारा प्यार अभी भी जिंदा है। तो वो इसी का सवाल जवाब नहीं देती है और फिर इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। अब इसका अगले पार्ट में देखने को मिला है कि लॉरा उसके पास वापस आ गई या नहीं।